भाई लास्ट वीडियो में मेरे को एक बंदे ने बोला था कि वीडियो की शुरुआत हैंडस्टैंड से करो, तो ये लो आज की वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं डोमिनोज का सबसे सस्ता और सबसे महंगे वाला पिज्जा। भाई हम लोग क्या होता है, हम लोग नहीं, मैं जा रही हूँ, आप रहोगे यहाँ पर। हम दोनों जा रहे हैं ना, आपको मना कर दिया गया आपकी शक्ल देख के। यो भाई इतनी मुंडी नहीं आ रहा, मुझे भी ना चलो यार। भी होने वाली है धमाकेदार, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं इंडिया वर्सेस मलेशिया का डोमिनोज। तो चलिए चलते हैं अंदर, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। भाई यहाँ पे ऑर्डर देना तो बहुत ही खतरों के खिलाड़ी वाला काम है, प्लस अभी 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा मुझे। हमारा पिज्जा आ चुका है, ये हमने मंगवाया मशरूम सूप विद लोफ, जो कि मुझे पता है इंडिया में नहीं अवेलेबल है। ये है हमारा चीज और ये है हमारा एक्सपेंसिव, लेकिन हमारा एक ऑर्डर मिसिंग है यार मैं तो भूली गई थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा चीपेस्ट पिज्जा, जो कि यहाँ पे सच में चीप नहीं है, बहुत महंगा पड़ा है, प्राइस बताऊंगी एंड में। यहाँ पे इसे बोला जाता है पर्सनल पिज्जा, वैसे तो ठीक भी है पैसे के, जितना इन्होंने लिया उस हिसाब से इन्होंने वेजिटेबल्स भी डाली है इसमें। कैप्सिकम मुझे दिख रहे हैं, टमाटो है, अनियन भी है, मशरूम भी है और खूब सारा चीज भी है। भाई चीज स्ट्रेच आ गया पर्सनल पिज्जा में। अब मैं लेती थोड़ी सी एक बाइट, नॉट बैड यार, काफी सारा मोज़रेला इन्होंने डाला हुआ है। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 234 रुपीस का पड़ा है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सोचो 230 रुपीस का सबसे चीपेस्ट है, तो महंगा कितना होगा। भाई आराम से भाई, तो दीदी तो पहुंच चुके भाई मलेशिया, और मैंने सोचा मैं चलता हूँ अपने जल्दी से डोमिनोज के अंदर और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ का सबसे सस्ता और सबसे महंगा वाला पिज्जा। एंड मैंने ये चीज जरूर बताना कि आपको मलेशिया का ज्यादा पसंद आया या फिर भाई डोमिनोज का, ओ सॉरी इंडिया का। आ जाओ भाई, मैंने एक चीज देखी तो जल्दी देखो, ये क्या लिखा है, अनलिमिटेड पेप्सी इंजेक्शन पे 79 रुपीस, अनलिमिटेड पेप्सी जितना मर्जी उतना, जब तक मन ना भरे, दो घंटे में जितनी बार मैं, मगर मान लो कि बंदा बोतल लेकर आ गया वहाँ बैठ गया, भरता रहा आपसे ग्लास ले गए तो अलाव नहीं भाई, मारेंगे तुम्हें। भाई मेन्यू तो हमारा भी बहुत बड़ा है, मगर हमारा सर नहीं घूमा, और जितनी देर में दीदी ने इनका मेन्यू समझाया उतनी देर में तो ऑर्डर देके अपना भाई मैं खाना भी शुरू कर दूंगा। तुम भर के वो डाल देना ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स पैकेट भर के। इतने मेरा यहाँ पे पिज्जा लग रहा है, इतने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि डोमिनोज का पिज्जा आपको पसंद है या फिर पिज्जा हट का। तो फाइनली मैंने लगवा लिया है अपने डोमिनोज का सबसे सस्ता और सबसे महंगे वाला पिज्जा, चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या चीज कितने रुपए की है। भाई आ जाओ, भाई दीदी को कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ा इस पिज्जा के लिए, और भाई मेरा तो चटपट, जैसे बोलते हैं चटपट मंगनी, वैसे भाई चटपट पिज्जा रेडी होकर आ गया। और भाई ये देखिए मैंने हमने तीनों आइटम लगवाई है, मगर एक दुख मेरे को इस बात का हुआ है कि भाई यहाँ पे ना वो नहीं है यार सूप, मशरूम सूप और जो दीदी ने वहाँ पे लिया वहाँ सूप ही नहीं है भाई, कोई नहीं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सबसे सस्ते वाला पिज्जा, क्योंकि शुरुआत सबसे सस्ते से ही होती है, धीरे धीरे बढ़ेंगे और सबसे महंगे तक पहुंचेंगे, और महंगे का इंतजार करना क्योंकि एंड में वो आपको दिखाएंगे। भाई दीदी का मैंने सबसे सस्ते वाला देखा तो भाई वो बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा था, ये देखते कैसे होगा। भाई ये देखिए क्या बात है, ना इसके ऊपर टमाटर है, ना इसके ऊपर प्याज है, ना ही इसके ऊपर शिमला मिर्च है, कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर खाली पीस है और सॉस है टॉपिंग की। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और दीदी वाला मैंने देखा था उसके अंदर तो टमाटर के पीसेस भी थे भाई, और थोड़ा बहुत शायद प्याज भी थी। ये देखो भाई इसको चेक करते हैं एक बार, ना 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 चीज पुल कहाँ है दीदी के पिज्जा में, चीज पुल था इसमें, चीज पुल नहीं है, सबसे बड़ी मेरे को कमी लगी। मगर भाई एक बात है यार, ये वाला जो पिज्जा मेरे को पड़ा है, ये वाला पड़ा है 59 रुपीज का, मतलब विदाउट टैक्सेस है, फिर टैक्सेस थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और दीदी का पिज्जा ये स्टार्टिंग रुपीज 230 रुपए का था भाई, तो डिफरेंस तो है ना यार, तो पैसों में डिफरेंस है तो आइटम में भी डिफरेंस है, ठीक है। रुको भाई सबर करो, इतनी जल्दी पिज्जा नहीं खाते, पिज्जा के लिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए टिश्यू पेपर, ओरिगैनो चाहिए भाई, ओरिगैनो और भर के ओरिगैनो, जितना चाहे उतना लो, उनके पास नहीं है ओरिगैनो, अपने पास भर के ओरिगैनो भाई, भर के अपन डालेंगे ऐसे खोल के। आहा हा हा इधर आओ,
क्लासिक पिज्जा के ना मैंने एक बार देखे, जब आप यहाँ पे बैठ के खाते हो ना तो बहुत बढ़िया लगता है, और अगर आप घर पे मंगा के खाते हो ना तो उतना ही वही यहाँ लगता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है, चीज मेल्ट हो जाती है और टॉपिंग मिलती नहीं कुछ भी। मगर यहाँ पे गर्मा गर्म पिज्जा खाने का ना मजा ही अलग है। अगर आप चीज के दीवाने हो तो ये वाला पिज्जा ट्राई कर सकते हो। 59 rupees में क्या मिलता है भाई? ये मिलता है अच्छा। भाई मैं वीडियो बना रहा था, भाई आए मेरे पास, भाई आप मेरी तारीफ कर रहे थे ना अभी। हाँ जी, क्या कर रहे थे? तारीफ दोबारा बताना। तारीफ मैं कर रहा था, आपकी जो बोलने का तरीका है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ मजा आ गया। आपको यहाँ की गार्लिक ब्रेड दिखा देती हूँ यार, ये भी थोड़ी ना अलग हटके है। पैकेजिंग देखो कुछ इस तरीके से सील लगी हुई है, ठीक है। खुशबू बहुत अमेजिंग आ रही है गार्लिक। सो लेट्स ओपन दिस। और ये हमें मिली है ब्रेड गार्लिक लोफ, काफी गार्लिक का फ्लेवर है ना निशा। इस तरीके की ब्रेड से खाई है, लेट्स ट्राई। तो पहले मैं ट्राई करती हूँ। इसमें वो बटरी फ्लेवर मिसिंग है आज हमारे मिलता है, तो इट्स लाइक ओके ओके। भाई अब बारी है हमारे गार्लिक ब्रेड की। कुछ इस तरीके से हमारी गार्लिक ब्रेड दिखती है, और उनकी गार्लिक ब्रेड कैसी दिखती है? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं भाई। तो भाई ये बिल्कुल ही स्ट्रेट सपाट और प्लेन सी गार्लिक ब्रेड है। हमारे पास वैरायटी आती है, स्टफ्ड लेना चाहो स्टफ्ड ले लो, नॉर्मल लेना चाहो नॉर्मल ले लो। क्या बात है भाई, दमदार गार्लिक ब्रेड है, बढ़िया सी को खाते है भाई। हम लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर अगर मक्खन का इस्तेमाल ना करा जाए तो भाई अधूरा है हमारा स्वाद ही। ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, सब जगह खा लोगे तो आपको मक्खन मिलेगा भाई हर चीज में। और भाई उनकी गार्लिक ब्रेड मैंने नोटिस करी, दीदी ने मेरे को बताया कि उनमें मक्खन ही नहीं है। अबे बिना मक्खन की गार्लिक ब्रेड बनती है क्या? और भाई अगर मैं इसके रेटों की बात करूं, 114 rupees का विदाउट टैक्सेस, और भाई वहां पे तो पता नहीं कितने का ही बड़ा भाई। अपना हिंदुस्तान सबसे बढ़िया भाई। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में आपको एक ऐसा वाउचर कोड देने वाला हूं जिससे भाई आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब बारी है हमारे मशरूम सूप की। ये है हमारा ब्रेड लोफ जो इसके साथ में मिला है। अगर इन सब चीजों की पूरे की टोटल की मैं बात करूँ ना, 46 ringgit के पड़े हैं ये हमें चार आइटम, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। जल्दी से ट्राई करते हैं, लेट्स सी। ओए होए होए होए, कितना क्रीमी लग रहा है बाहर से, क्रिस्पी। ये है असली गार्लिक ब्रेड वाला स्वाद जो हमें मिलता है, बटरी और गार्लिक का फ्लेवर। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, तभी यहाँ आ रहे हो ना तो आप ये लोफ ट्राई करना इंस्टेड ऑफ दिस गार्लिक ब्रेड एंड मशरूम सूप, इज सुपर अमेजिंग। मुझे तो काफी अच्छा लगा भाई। चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर उन लोगों के पास व्हाइट मशरूम सूप है ना तो हमारे पास भाई क्लियर क्रिस्टल, मच्छर के गैस से टूट, मजाक कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास व्हाइट क्लियर क्रिस्टल वाटर है भाई, और वो भी इन जस्ट फ्री फ्री फ्री। और अब बारी है उसकी जिसका हम सभी को इंतजार था, तो मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा इन मलेशिया ऑफ डोमिनोज। और ये हमने चीज बर्स्ट वाला मंगवाया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इसके अंदर खूब सारा चीज होने वाले, क्योंकि स्लाइस इतनी थिन है, इसकी बेस इतना थिन है, कहाँ चीज भरा होगा इन्होंने। यार हमारे इस वाले पिज्जा में पाइनएप्पल भी है, लुक एट दिस। ओए होए होए होए, अब मुझे समझ आया लोग अब मेरा ओए हो नोटिस करते हैं। यार खाना देख के ना अपने आप निकल जाता है, अगर इसमें पाइनएप्पल नहीं होता ना तो बेस्ट पिज्जा हो जाता है डोमिनोज का आज तक का। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चीजी, बहुत ही फ्लेवरफुल, मुझे तो बहुत मजा आया। तो आई एम हैप्पी कि डोमिनोज के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं वेजी में। तो इस पिज्जा में बेस सॉस लगा है टमाटो का, ये देखिए यहाँ पे, तो मुझे टमाटो का कोई लेना देना नहीं जरा था। इसकी सॉस थोड़ी सी अलग होने वाली है। तो ये तो था हमारा मलेशिया का पिज्जा, और इसकी प्राइसिंग की बात करूंगी ना आप हैरान रह जाओगे। ये हमें पिज्जा पड़ा है 740 rupees का, 700 rupees। और ये पिज्जा है जिसकी इतनी पतली थिन स्लाइस है, और दैट टू रेगुलर है ये, इसका मिडल वर्ग और लार्ज वर्ग मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कंपैरिजन की पसंद आई होगी, इंडिया वर्सेस मलेशिया। आई नो इंडिया का बहुत ज्यादा बेटर रहा होगा परफॉर्मेंस इसके मुकाबले, बट या जल्दी इंडिया वापस आ रहे हैं, और फिर यहाँ की बहुत सारी वीडियो इकट्ठी करके लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को पसंद आएंगी। और कौन सी ब्रांड का आपको कंपैरिजन चाहिए नहीं जल्दी से इस वीडियो में बता दो, सो देट इंडिया आने से पहले हम लोग आपके लिए खूब सारी वीडियोस बना के लाएं। तो भाई अब बारी है फाइनली सबसे महंगा पिज्जा की, मतलब मेरे को लगा था कि इतना बड़ा पिज्जा होगा, मगर नहीं भाई इतना सही पिज्जा। इसको खोलने से पहले मैं खड़ा हो जाता हूँ, एक महंगी चीज को इज्जत देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से पिज्जा है, खोल के आपको दिखाते हैं। क्या बात है भाई, ये देखने में लग रहा है कि भाई ये है एक दमदार पिज्जा, जबरदस्त पिज्जा, जिंदाबाद पिज्जा। और भाई अगर मैं इसके रेटों की बात करूँ ना तो भाई ये मेरे को पड़ा 313 rupees का, और दीदी का महंगा था 700 rupees का। अरे भैया इधर आओ, ये देखो 570 rupees का तो हमें भाई टोटल पड़ा है, और दीदी का 700 rupees का खाली पिज्जा पिज्जा था हमारा, 570 rupees पूरा बिल रेडी हो गया। क्या बात है भाई, इसके ऊपर डालेंगे भर के अपना बढ़िया सा ऑरिगेनो, और फिर इसको खा के आपको बताएंगे कैसा लगा। भाई ऑरिगेनो डाल रहे हो तो आप लोग
और कमेंट सेक्शन में अपने उस दोस्त को टैग कर दो जो पिज्जा लवर है। भाई कैसी लग रही है भाई आपको हमारी ये वाली सीरीज जो हम कर रहे हैं इंडिया वर्सेस मलेशिया की? भाई दीदी वाला जो पिज्जा था ना वो बहुत ही थिन स्लाइस का था, मतलब उसका जो बेस था बहुत पतला था। इसका देखो यार क्या फ्लफी सा बढ़िया सा बेस है, आ हा हा क्या बात है। ये देखो भाई ये देखिए ये दमदार चीज, चीज बस्ट भी हमने इसको कराया है। भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये देखने में लग रहा है कि भाई ये है एक दमदार पिज्जा, जबरदस्त पिज्जा, जिंदाबाद पिज्जा। अच्छा स्वाद आने में अच्छी नहीं लगी, बिना डरवा के लेना तो अच्छा लगेगा आपको। इससे बहुत खट्टा सा फ्लेवर आ रहा है थोड़ा सा ना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग हमें और क्या क्या चीजें करते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया भाई वीडियोस आने वाली है। और अगर सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, कि हर संडे को बहुत ज्यादा दमदार वीडियो आती है शाम को 6 बजे। डॉट अब बात करते हैं उस कोड की, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से डोमिनोज का ऐप डाउनलोड करो और भाई पिज्जा ऑर्डर करो। पैसा भी कितने रुपए का भी आपको 33% फ्लैट ऑफ मिलने वाला है। सब कुछ पूरी नीचे डिटेल है, उसको यूज करो, मगर सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए, पुराने यूजर्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना उस बात का। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी बड़ी से वीडियो, तो तकले भाई जय श्री राम।